Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Everyone, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning, India's number one online education channel, plus a part of An Academy. तो exactly रात के 11:30 हो चुके हैं, जब आधी दुनिया सो चुकी है, तो आप CMA की तैयारी कर रहे हो. तो basically CBT 2 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. जैसे कि आपने बाकी सारे sections का technical में introduction देखा है, उसी तरीके से जरा यहाँ पे CBT 2 की अगर हम बात करें, और आप में से कई सारे लोग जो हैं वो CMA की क्लासेस के लिए यहाँ पे काफ़ी परेशान थे, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे CMA की क्लासेस स्टार्ट की गई हैं. बेसिकली ये पूरा जो CMA का सेक्शन है, टेक्निकल पार्ट वाला जो सेक्शन है, ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जहाँ पे पहला सेगमेंट आपका यहाँ पे किस चीज़ का होता है, फिजिक्स का, राइट, और दूसरा सेगमेंट है आपका केमिस्ट्री का, राइट. तो ये CMA के पूरे सेगमेंट में आपको जो भी टेक्निकल पार्ट आ रहा है वो फिजिक्स का आ रहा है और केमिस्ट्री का आ रहा है, जिसमें से फिजिक्स वाला सेक्शन, जैसे कि इससे पहले आपका नीरज सर का क्लास हुआ है, उसमें उन्होंने बताया कि फिजिक्स का सेक्शन जो है वो आपको कंप्लीट कराने वाले हैं. केमिस्ट्री का जो पूरा सेक्शन रहने वाला है, क्योंकि CMA को अगर आपको क्वालिफाई करना है टेक्निकल के लिए, तो आपको लिए जितना ज़रूरी फिजिक्स है उतना ही ज़रूरी केमिस्ट्री है, दोनों की इक्वल वेटेज रहने वाली है. यहाँ पे केमिस्ट्री का जो सेक्शन है वो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने वाली हूँ. बेसिकली सिलेबस दिखाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता देती हूँ. सिलेबस वैसे आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि क्या सिलेबस आपका है और कैसे आपको चीज़ें पढ़नी है, बट स्टिल कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ. देखिए, CMA का सिलेबस जिस तरीके से आपका पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, अब हम यहाँ पे अगर हम CBT 1 की बात करें, JEE की बात करें, तो वहाँ पे ना हम केमिस्ट्री को थोड़ा सा लाइटली ना चीज़ों को लेके चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत हमने चीज़ें यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया, या ऐसे लगा कि जब ये चीज़ आपको नहीं समझ आएगी या नहीं समझ आ पाएगी. जैसे बोरॉन फैमिली है, उसमें मैं आपको बोरॉन के बारे में बता रही हूँ, लेकिन मैं नहीं बता रही हूँ कि बोरॉन एक्सेप्शन है, क्यों है एक्सेप्शन. तो ये चीज़ ना आपको बताई नहीं जा रही है, क्योंकि उस टाइम पर उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो अभी जब आप CMA का सिलेबस केमिस्ट्री का कंप्लीट करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो एक लेवल जो है वो आप एक्सपेक्ट करना, कि अभी ये लेवल CBT 1 का, JEE वाला, NTPC वाला लेवल नहीं है. यहाँ पे आपका ये जो पूरा लेवल रहने वाला है, ये 11th 12th, और साथ में ग्रेजुएशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे 11th 12th में कोई चीज़ अगर डिटेल में नहीं है, तो उसी को ग्रेजुएशन में यहाँ पे कंप्लीट अगर किया जाता है, तो वहाँ से पिक किया है उस चीज़ को, मतलब ग्रेजुएशन के टॉपिक्स को भी अपने ने यहाँ पे पिक करा है. ठीक है, पहला चीज़ आपका लेवल रहेगा, आप क्योंकि टेक्निकल का है ये पोर्शन, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. दूसरा चीज़, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री को हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं ना, 3 सेगमेंट्स कौन से होते हैं आपके, एक आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके, एक आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके बोली जाती है, और एक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, 3 सेगमेंट्स में हम इसको केमिस्ट्री वाले पोर्शन को डिवाइड करते हैं. जहाँ पे आपके सिलेबस में, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाने वाली हूँ, सिलेबस में आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल से ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक के नाम पे सिर्फ आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, जो भी डिटेल में नहीं है. यहाँ पे कार्बन ऑफ एंड इट्स कंपाउंड में
जो चीज़ें हैं वो आपकी बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं, जैसे कि 11th और 12th में जो चीज़ें आपने कवर की है, हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करने के बाद कीटोन्स बन रहे हैं, ईस्टर्स बन रहे हैं, या फिर आपका जो पूरा जो ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे उतना ही पोर्शन अपने को करना है कम्प्लीट। कार्बन के स्ट्रक्चर को डिटेल में करेंगे। कार्बन बहुत स्पेशल नेचर क्यों दिखाता है अपना पूरा पीरियोडिक टेबल में, उसको पूरा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जैसे हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन, तो हाइड्रोजन को अलग से पढ़ेंगे। बोरॉन इज एन एक्सेप्शन अपनी पूरी फैमिली में, तो बोरॉन पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा नहीं है, फिजिकल से भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। फिजिकल से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, रदरफोर्ड मॉडल, ये सारा चीज़ हम डिटेल में करेंगे। जैसे स्टेट ऑफ मैटर से ही आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट होगा, तो पहला चैप्टर तो आपका स्टेट ऑफ मैटर और एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो कि आपका फिजिकल वाला पार्ट आएगा। बेसिक जो पोर्शन है ना वो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, यानी कि तीनों पोर्शंस इंक्लूडेड हैं, ऑर्गेनिक भी, फिजिकल भी और इनऑर्गेनिक भी। लेकिन आपका जो मेजॉरिटी पोर्शन, जैसा कि मुझे कुछ सिलेबस में दिखाई दे रहा है, कई चीज़ें एक्सक्लूड भी कर दी गई हैं, कई चीज़ें इसमें इंक्लूड भी कर दी गई हैं, तो चीज़ें इतनी सी हैं कि आपको 11th और 12th की जो चार किताबें हैं ना NCERT की, वो आपको कवर करनी है अच्छे तरीके से। एंड आई टेल यू कि आपके एग्जाम में NCERT की चार किताबों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसके बाहर कुछ है ही नहीं, है ना। 11th की पार्ट 1, पार्ट 2, 12th क्लास की पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये सारा जो सिलेबस है वो NCERT की चार किताबों से आपको कवर किया जा रहा है। अब आप ये बोलोगे कि NCERT कवर करना तो बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, तो मैं आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ बता दूँ, NCERT की किताबों को पढ़ना और उसको समझना किसी भी दूसरी रिफ्रेशर से ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। कई क्वेश्चन यहाँ पे जो CMA के पेपर में आते हैं वो मेडिकल से भी आते हैं, मतलब कई क्वेश्चन आपने अगर IIT JEE या मेडिकल में जो केमिस्ट्री के जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ऑर्बिट्स को लेके और हाइब्रिडाइजेशन को लेके, उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे भी कवर किए जाते हैं। तो तरीका आपका क्लास का ये रहेगा कि हर क्लास में मैं आपको सबसे पहले कवर करा रही हूँ यहाँ पे थ्योरी, ठीक है। जो भी कोई चैप्टर हम करेंगे तो आपकी जो क्लास या टेस्ट या क्वेश्चंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे आप, थ्योरी के एंड होने पे। यानी कि अगर आपका पहला चैप्टर हमने कवर किया है यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर्स, तो स्टेट ऑफ मैटर का जो आपका जैसे ही खत्म होगा उसके पॉइंट पे मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, यानी कि हम सैटरडे या फ्राइडे का, फ्राइडे टेस्ट का वेट नहीं करेंगे। मतलब वैसे तो ज़्यादातर आपके टेस्ट फ्राइडे को होंगे, वो टेस्ट होंगे, लेकिन जब थ्योरी किसी चैप्टर की कंप्लीट कर ली है तो उसके क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको एक बार वो सेक्शन देखना पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो लेवल यहाँ पे अच्छा रहेगा आपका केमिस्ट्री का, है ना। तो जो लोग नॉर्मल NTPC या ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी करें उनके लिए लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, और जो लोग यहाँ पे टेक्निकली CVT 2 के लिए CMA की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये एक्सपेक्ट या ये मान के चलूँगी कि आप लोगों को 9th और 10th की केमिस्ट्री बिल्कुल आती है, ठीक है। 9th और 10th की केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छे से याद है, तो कई अगर एक चीज़ें मिस भी होती हैं तो आप मैनेज करोगे। यहाँ पे सिलेबस के साथ देखते रहेगा, बाकी तो मैं आपको 11th, अब मैं आपको इतना चीज़ बता दूं कि इन क्लासेस में 11th और 12th की दोनों किताबें अच्छे से आपकी कंप्लीट होंगी, ठीक है। दोनों किताबें बहुत बढ़िया तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे, और जो आपको यहाँ पे PDF प्रोवाइड की जाएंगी वो भी आपकी NCERT की ही PDF होंगी, तो आपको अलग से NCERT खरीदने की ज़रूरत नहीं है। PDF में मैं आपको पूरी NCERT धीरे धीरे चैप्टर वाइज यहाँ पे देना स्टार्ट करूँगी। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, ये सिलेबस आपका अपलोड हो जाएगा। एक बार आप जो सिलेबस है उसको देख लीजिएगा अच्छे से, बाकी यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखो जिस तरीके से, पहले तो आप ये याद रखना कि अगर आपका इस सिलेबस में पहले स्टेट ऑफ मैटर आया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर करके लिखा हुआ है, तो आपकी पहली क्लास भी किस चीज़ की होगी, स्टेट ऑफ मैटर की, ठीक है। दूसरी क्लास आपकी किस चीज़ की होगी, एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर की, ठीक है। तीसरी क्लास किसकी होगी, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की। तो जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट है या सिलेबस जिस तरीके से दिया हुआ है उसी तरीके से हम क्लासेस लेके जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके दिए हुए सिलेबस से एक भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको सिलेबस में मेंशन है
अब जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका स्टेट ऑफ मैटर कंपाउंड्स, ये आपका जेई का जो रेलवे की वेबसाइट है उसी से सिलेबस निकाला हुआ है। 10th या मेरे ख्याल 11th पॉइंट पे ही आपका स्टेट ऑफ मैटर आ जाता है यहाँ पे, राइट। ये फिजिकल केमिस्ट्री से पूरा यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, गैस लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कैसे डिराइव किया जाता है, गेल इसेक, एवोगैड्रो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इनको इस्तेमाल करके किस तरीके से गैस लॉ को डिराइव करते हैं वो पढ़ना है अपने को। एवोगैड्रो लॉ, बर्जीलियस लॉ अपने को कंप्लीट करना है। दूसरा आपका केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर आएगा जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस अपने को पढ़ने हैं, और बहुत अच्छे से आपको सॉल्ट्स को लेके या केमिकल रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज को लेके एक्सप्लेन किया है कि आपको NaOH पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, बेकिंग, वॉशिंग एंड दियर यूजेस, प्लस में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पूरा पार्ट आपको रिवाइज करना है। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आपको लेवल अप करना है। अभी तक आप बेकिंग सोडा, मतलब अगर आपने नॉर्मली अगर NTPC के लिए या ग्रुप JEE के लिए पढ़ा है तो आप सिर्फ बेकिंग सोडा ऐसे पढ़ते हो, NaHCO3 फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है, Cl अमोनिया में हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला दिया तो हमारा क्या बन गया, वॉशिंग बेकिंग सोडा यहाँ पे बन गया। लेकिन अब चीज़ों को हमें टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब के हिसाब से देखना है। थर्ड आपका यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है जिसके अंदर आपके न्यूट्रलाइजिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो इन्वॉल्व है, डबल सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट इन्वॉल्व है जो कि आपका नॉर्मल सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो डबल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट्स आपको पढ़ना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको पूरा पढ़ना है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये जिसको हर सिलेबस में अवॉइड किया जाता है, रोल ऑफ pH इन डेली लाइफ। तो एग्रीकल्चर है, मेडिसिन है, क्लासिफिकेशन है, कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल है, इन सबके यूजेस क्या होते हैं हमारे मेडिकल में, इंडस्ट्रीज में किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट, और स्टोशियोमेट्री, ठीक है, स्टोशियोमेट्री के बारे में क्या होता है स्टोशियोमेट्री, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है स्टोशियोमेट्री का, केमिस्ट्री की किस ब्रांच में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये सारा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे सेकंड देखिए, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका फिजिकल केमिस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है, और इसमें आपका सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो पोर्शन अपन कंप्लीट करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्लैंक्स क्वांटम मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स आपको यहाँ पे दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपको एक्सप्लेनेशन करना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बोर की थ्योरी क्या थी उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली अपने को पढ़ना है, और लास्ट में SPDF जो आपके फिल किए जाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी फिल की जाती है उसमें किस तरीके से आपका यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल से अपन स्टार्ट करेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हुआ, हंट्स रूल हुआ, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, और इसमें क्वांटम नंबर की जो क्वांटम्स नंबर की जो शेप्स होती हैं, क्वांटम नंबर का पूरा पार्ट जैसे ऑर्बिटल्स की जो शेप है, एस ब्लॉक आपका सर्कुलर है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक, डबल डम्बल, डबल डम्बल, डम्बल, ये सारी शेप्स जो है उनको अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यहाँ से CMA में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस आते हैं एक्सेप्शन पे, पीरियोडिक टेबल आपकी आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और मैं यहाँ पे आज की ही क्लास में ये आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। केमिस्ट्री में फिजिकल को समझना आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना और भी आसान है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीज़ें लॉजिकली जा रही हैं, ठीक है, सो पेनिफिकेशन हो रही है तो क्या चीज़ को ऐड होना है, क्या चीज़ को रिलीज होना है, प्लस माइनस फैक्टर्स जो हैं इन सब में ना चीज़ें आपकी ऐड हो रही हैं या डिलीट हो रही हैं वो एक लॉजिकली चीज़ें जा रही हैं। जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की आप बात करोगे ना, चीज़ें एक्सेप्शंस में जाती हैं, क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एक्सेप्शंस में पूछे जाते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, यहाँ पे हर दूसरी चीज़ पहली चीज़ से अलग बिहेवियर करती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलूँ यहाँ पे कि आपने बॉन्ड्स वगैरह पढ़े ही होंगे, तो मेरे ख्याल में आपको बॉन्ड्स का ही एग्जाम्पल अच्छे से दे सकती हूँ। बॉन्ड्स पढ़े हैं आपने, है ना, बॉन्ड्स में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जब भी आप बॉन्ड्स पढ़ रहे होगे तो आप बोरॉन फैमिली पढ़ो, है ना, बोरॉन एल्युमिनियम आ गया, ये एक ही फैमिली को बिलोंग करेंगे लेकिन उसके बाद भी बहुत करैक्टर अलग होंगे। जैसे बोरॉन फैमिली है, बोरॉन फैमिली के बाकी के एलिमेंट्स, कार्बन फैमिली आप पढ़ो, कार्बन फैमिली के बाकी के आपके एलिमेंट्स, एंड देन आप नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली पढ़ना शुरू करो। बोरॉन फैमिली में अगर बोरॉन बनाना बॉन्ड बनाता है ना,
तो एल्युमिनियम नहीं बनाएगा. तो ये एनोमलस बिहेवियर ही क्यों शो कर रहे हैं, एक्सेप्शन ये शो क्यों कर रहे हैं? तो आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसमें ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जिनसे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन जो है ना वो रिलेट करके पूछे जाएंगे. ठीक है, ये पूरा पार्ट याद रखना है. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी अपन पढ़ने वाले हैं ना, ये हम पूरी की पूरी पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्शंस, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आपको पूछे जाएंगे. इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस एक्सेप्शंस पे आते हैं, नॉर्मल चीज़ों पे नहीं आते हैं. ठीक है, कौन सा एलिमेंट बनाना ग्रुप बनाना बॉन्ड बना रहे, नहीं पूछेंगे आपको. उसके अलावा जो इसके पूरे एक्सेप्शंस होंगे वो पूछेंगे यहाँ पे कि एल्युमिनियम क्यों नहीं, या उसकी फैमिली या कार्बन कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्यों उसके बाकी के एलिमेंट जो है ना वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं. इसीलिए हम हर एक फैमिली को अलग अलग पढ़ेंगे, यानी कि एस ब्लॉक को अलग, पी ब्लॉक को अलग, डी ब्लॉक को अलग, एफ ब्लॉक को अलग, और उसमें भी हाइड्रोजन को हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे. जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, एक क्वेश्चन आपका डाइहाइड्रोजन के ऊपर रिपीट किया है. जब पिछली बार एक जो लास्ट एग्जाम हुआ है सीएमए का, उसमें एक क्वेश्चन डाइहाइड्रोजन के ऊपर रिपीट किया था. ठीक है, डाइहाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं यहाँ पे, तो कितने आइसोटोप्स होते हैं, एक तो आइसोमर्स और आइसोटोप में आप लोग अंतर समझिएगा. छोटी छोटी अगर टर्म्स को आपको ज़रूरत है समझने की तो आप मुझे पहले ही बताइएगा. आगे जब हम पढ़ रहे हो तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो टॉनिक क्या होता है, इनमें ना आपको नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि हम सीधा आप टर्म्स इस्तेमाल करेंगे. किसी में भी अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ करके आप मुझे वो चीज़ बता सकते हो. कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, केमिस्ट्री के सी से पढ़ना है, तो उधर से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम सीधा 11th और 12th की जो नोट्स हैं हमारे उससे स्टार्ट करेंगे. तो डाइहाइड्रोजन में कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप रहते हैं. हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एल्कली के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मतलब बाकी एलिमेंट्स के साथ, और बाकी दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये अपने को चीज़ें आगे लेके जानी है. ठीक है, सिलेबस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस में ये पूरा पार्ट आ जाएगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए. केमिकल बॉन्डिंग आती है, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है. आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस समझना है आपको, बॉन्ड के लेंथ और बॉन्ड की एंगल, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया है कि आपको H2O, BF3, CH4, NH3, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो बॉन्ड्स हैं उनके बारे में अपने को यहाँ पे चीज़ें लेके जानी है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन. तो जितने भी आपके हाइड्रोजन के बॉन्डिंग होती हैं और जितने भी आपके टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये हम हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है उसमें कंप्लीट करेंगे. और आखिरी सेक्शन में आपको यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो थोड़ी बहुत जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी आ रही है ना वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ही आ रही है, और आपके जो यूजेस हैं केमिस्ट्री इन डेली लाइफ करके हम टर्म करते हैं वो भी आपका सारा इसी में आ जाएगा. जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से शुरू हुआ, इसी में मैं आपको डिफरेंट ये एल्कीन्स, एल्काइन्स, एल्केन्स, एरोमेटिक, एलिफैटिक, और उसके बाद आपने एल्काइल ग्रुप को चेंज किया तो क्या यहाँ पे बनने लगेगा, वो सारी चीज़ें आ गई. एक इसमें देखो, ये आपको एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है, ये आप समझ के रखिएगा. एज इट इज टॉपिक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन करके, उसके बाद टेट्रावेलेंसी, उसके बाद चेन, ब्रांचेस, रिंग, तो हर चीज़ आपको एनसीईआरटी के 11th और 12th से एसोसिएट करनी है. उससे बाहर आपको कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि पहले आप उतना ही कर लो वही बड़ी बात होगी यहाँ पे, है ना. केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन की, तो वो सारा अपन करने वाले हैं. अब जो आपके प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, वो कार्बन की लॉन्ग चेन से ही बनाए जाते हैं. C17, C15, ये सारे क्या हैं, आपके ऑयल एंड फैट्स करके बनाए जाते हैं. उसके अलावा पॉलीथीन, नायलॉन, PVC, रबड़, किस तरीके से इसको डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के और जो इंपॉर्टेंट यूजेज़ हैं वो सारा, तो ये सारा सेगमेंट आएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जहाँ आप पढ़ते हो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो शुरू हो जाती है. नेक्स्ट आपका यहाँ पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री थोड़ा सा दिया हुआ है, जहाँ पे बेसिकली ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से आपको रिलेट करना है. एंड लास्ट आपका मेटलर्जी, दैट इज हाउ दी मेटल्स अकर, मेटल्स के ओर्स वगैरह के बारे में पूछा है. तो ये जो आपका हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ये वाले जो चैप्टर है ना वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे फिजिक्स वाले पार्ट के लिए. हीट हुआ, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, और भी जो चैप्टर्स हैं वो आपके इसमें कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको. ये थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे. तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के ये दोनों सेगमेंट जो हैं वो आपके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, केमिस्ट्री का कोर पार्ट जो है वो बना रहे हैं. देखो, अब आपको पता है कि
टेक्निकल पार्ट में या किसी भी चीज़ में केमिस्ट्री को हम क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, या बेसिकली अगर आपको बोला है कि यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो ये चीज़ें इंक्लूड क्यों की जा रही हैं? क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री को डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यही देखा आपने, सोप्स बनाना है, डिटर्जेंट बनाना है, कोई भी क्रीम बनानी है, आपकी फुल किचन जो है इज व्हाट, केमिस्ट्री है आपका। नमक बन रहा है, नमक के बाद COOCl2 बन रहा है आपका, विरंजक चूर्ण बन रहा है ना, कॉस्टिक सोडा बन रहा है, वॉशिंग सोडा बन रहा है, बेकिंग सोडा बन रहा है। तो केमिस्ट्री इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शन, है ना। एक्सेप्शंस के अलावा केमिस्ट्री इज़ फुल आपके जो एनवायरनमेंट में चल रहा है, आपकी पूरी किचन इज़ केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको देखो फिजिक्स को समझाना आसान होता है, ये बात मैंने आज सुबह ही बोली है, लेकिन केमिस्ट्री को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ एक्सेप्शंस यहाँ पे। तो उन्हीं चीज़ों को हम लेके साथ में चलेंगे। बाकी यस, क्वेश्चंस करना आसान होता है क्योंकि हमें पता होता है कि इस एरिया से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगी कि इस टॉपिक में इस एरिया से ये क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री आपका हर एक जगह अप्लाई होता है, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे आपकी नॉर्मल इंडस्ट्रियल पॉलीविनाइल क्लोराइड, जैसे आपने देखा पॉलिथिन है, सोप्स है, सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको फर्टिलाइजर्स बनाने हैं, एल्कली बनानी है, एसिडिक बनाने हैं, कुछ भी बनाना है आपको, आपको केमिस्ट्री को इस्तेमाल करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रग्स जो बनाए जाते हैं, दवाइयाँ जो बनाई जाती हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन बनानी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन बनानी है, राइट, AGT बनाना है, जितनी भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं और जितनी भी मैक्सिमम केमिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें डिस्कवर की गई हैं ना, उनमें आप मैक्सिमम देखोगे केमिस्ट होते हैं। जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मेंडलीव के द्वारा बनाई गई, हु वॉज मेंडलीव, जस्ट ही वॉज अ केमिस्ट, है ना। तो ये सारे जो साइंटिस्ट या केमिस्ट होते हैं ये मिलके आपके जो केमिस्ट्री है उसमें ये चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। तो दवाइयाँ तो अपने को पढ़नी है। एक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जब हम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपका एक टॉपिक रहेगा जिसमें अपने को चीज़ें जो है ना वो उधर तक लेके जानी है, मतलब लेवल थोड़ा सा अप करके यहाँ पे दवाइयों के बारे में हम पढ़ेंगे खूब सारा, है ना। तो 11th क्लास के पहले चैप्टर के पहले दो पैराग्राफ्स में आपको केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस वगैरह दी हुई है, तो कल से उसके आगे से चीज़ें लेके जा रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर के साथ स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, आपकी कल की जो रहेगी वो फुल आपका एक एक टॉपिक के हिसाब से चीज़ों को अपन कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट जो है ना आपको कवर करना है। सो गाइज, आपको वीडियो में लाइक करिए, आप वीडियो को जो भी इससे रिलेटेड कमेंट्स है ना, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि कौन सा पार्ट आपको बेसिक से पढ़ना है, आइसोबार्स, आइसोटोन और ये सब क्या होता है, अगर इधर से शुरुआत करनी है तो क्लास जो है ना इधर से शुरुआत करेंगे, अदरवाइज स्टेट ऑफ मैटर से कल की आपकी क्लास स्टार्ट है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू बी विद मी। 12 आपके बजने वाले हैं, जल्दी से आप सोइए, आराम करिए और चीज़ें अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं 11:30 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।